लेट्स डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फॉस्पीन की। फॉस्पीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है PH3, याद रखना। सो फॉस्पीन जो है इनफ्लेमेबल इंग्रेडिएंट है, इसके कुछ कमर्शियल यूजेस भी है जिसको हम आगे चल के देखने वाले हैं। सो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्पीन। लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्पीन, यानी फॉस्पीन बनाने के तरीके, जिसमें सबसे पहला तरीका हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड। सो लेट्स डिस्कस लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड दैट इज और प्रिपरेशन फ्रॉम व्हाइट फॉस्फरस, व्हाइट फॉस्फरस। अब देखिए शॉर्ट स्केल में, यानी एक छोटे तौर पे अगर हम फॉस्पीन बनाना चाहते हैं तो दैट कैन बी डन स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाइट फॉस्फरस। सो व्हाट वी नीड टू डू, टेक व्हाइट फॉस्फरस, बॉइल इट विथ कास्टिक सोडा, दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। उसके साथ जब हम व्हाइट फॉस्फरस को बॉइल करेंगे तो अल्टीमेटली हमें फॉस्पीन मिलेगा अलॉन्ग विथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सो याद रखें, व्हेन व्हाइट फॉस्फरस विच इज अ रिएक्टिव वैरायटी ऑफ फॉस्फरस, व्हेन व्हाइट फॉस्फरस इज बॉइल्ड विथ एक्वियस, बॉइल्ड विथ एक्वियस कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा बोले तो NaOH, then phosphine is obtained, हम लोगों के पास फॉस्पीन होगा इस तरह से। देखिए इसको किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। सो व्हाइट फॉस्फरस P4, दिस इज व्हाइट फॉस्फरस, रिमेंबर। सो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाइट फॉस्फरस इज टू बी बॉइल्ड विथ एक्वियस NaOH सॉल्यूशन। अब एक्वियस NaOH सॉल्यूशन के साथ जब व्हाइट फॉस्फरस को आप बॉइल करेंगे तो आपको मिलेगा फॉस्पीन अलोंग विथ NaH2PO2। सो दिस इज नन अदर देन फॉस्पीन एंड दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सो इस प्रकार से लेबोरेटरी में फॉस्पीन को बनाया जा सकता है। अब दूसरा मेथड हम यहां पे बता सकते हैं, बाय द व्हाट फ्रॉम फॉस्पोनियम सॉल्ट, दैट इज बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्पोनियम आयोडाइड विथ कॉस्टिक पोटैश, यानी KOH। सो सेकंड मेथड टू प्रिपेयर फॉस्पीन इज बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्पोनियम आयोडाइड विथ KOH, दैट इज कॉस्टिक पोटैश। अब यहां पे क्या होगा, जब हम KOH के साथ फॉस्पोनियम आयोडाइड को बॉइल करेंगे तब हमें फॉस्पीन मिलेगा। सो PH4I, यानी फॉस्पोनियम आयोडाइड इज बॉइल्ड विथ KOH टू गेट फॉस्पीन। यहां पे हम लोगों को फॉस्पीन मिलेगा। सो लेट सी हाउ दिस कैन बी गिवन। सो PH4I, दैट इज फॉस्पोनियम आयोडाइड, इसको KOH के साथ ट्रीट करिए। ऐसा करने से हम लोगों को मिलेगा फॉस्पीन अलोंग विथ KI एंड वाटर। सो इस प्रकार से भी हम लोग फॉस्पीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो मेथड आता है जिससे ज्यादातर फॉस्पीन प्रोड्यूस होता है, थर्ड मेथड विच हैपन्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इज बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम
फॉस्फाइड विथ वॉट वॉटर और डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। देखिए जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इसको वाटर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें बेसिकली फॉस्फीन मिलता है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फीन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, याद रखना। सो कैल्शियम फॉस्फाइड दैट इज Ca3P2 इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर फॉर्म्स फॉस्फीन। अब इस रिएक्शन का यूज हम होल्मे सिग्नल में भी करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसे हम शो कर सकते हैं। Ca3P2 दैट इज कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और फॉस्फीन जो है वो रिलीज होते हुए नजर आ सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फाइड व्हेन ट्रीटेड विथ व्हाट डाइल्यूट HCl देन आल्सो फॉस्फीन कैन बी ऑब्टेंड। सो कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl टू गिव फॉस्फीन। यहां पे भी हमें फॉस्फीन मिल सकता है। तो इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं Ca3P2 दैट इज कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। जब यह डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा इट वुड गिव कैल्शियम क्लोराइड अलोंग विथ व्हाट PH3 दैट इज फॉस्फीन। सो इस प्रकार से भी हम फॉस्फीन बना सकते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रिएक्ट विथ व्हाट डाइल्यूट H2SO4 प्रोड्यूसिंग फॉस्फीन एज वेल। सो Alp दैट इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म फॉस्फीन। यहां पे भी हम लोगों को फॉस्फीन मिलेगा, याद रखना। अब देखिए इस चीज को कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर, इट प्रीफर टू रिएक्ट विथ H2SO4 प्रोड्यूसिंग Al2SO4/3 दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट विद द रिलीज ऑफ PH3 दैट इज फॉस्फीन। सो कुछ इस तरह से हम लोग फॉस्फीन को बना सकते हैं। अब याद रखिए फॉस्फीन इनफ्लेमेबल होता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। नाउ इसका फिजिकल स्टेट गैस होता है, इट इज कलरलेस गैस विथ ऑर्डर ऑफ रॉटन फिश। यानी मान के चलो फिश अगर सड़ जाए तो जो स्मेल आएगी दैट स्मेल इज ऑफ फॉस्फीन। सो सबसे पहला पॉइंट याद रखें, इट इज कलरलेस गैस विथ ऑर्डर ऑफ रॉटन फिश। यानी रॉटन फिश स्मेल इसको होगा। इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, यानी बहुत ज्यादा पॉइजनस है। सो इट इज हाईली पॉइजनस, इट इज हाईली पॉइजनस। अब बात अगर सोल्यूबिलिटी की है तो इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन व्हाट वाटर। सो इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। इट डो नॉट रिएक्ट विथ एसिड और अल्कली। ये एसिड और अल्कली के लिए इनर्ट है ऐसा हम बोल सकते हैं। सो इट डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स और अल्कलीज। एसिड्स और अल्कलीज के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है।
अब अगर ये एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाए सडनली द इट एक्सप्लोड्स, यानी इट इज एक्सप्लोजिव. सो इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इट एक्सप्लोड्स, यानी एक्सप्लोड करेगा. इट इज फाउंड टू बी एक्सप्लोजिव. तो ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉस्फीन के. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन. देखेंगे कि फॉस्फीन के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज यहां डिस्कस हो सकते हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, लेट्स डिस्कस रिएक्शन विद क्लोरीन, दैट इज Cl2. क्लोरीन के साथ फॉस्फीन की क्या रिएक्शन होती है? तो क्लोरीन के साथ जब हम फॉस्फीन को रिएक्ट करें तो वी कैन हैव PCl5. याद रखना. सो फॉस्फीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म PCl5, या क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए. सो इसके लिए हम बैलेंस इक्वेशन कुछ इस तरह से बता सकते हैं. सो PH3, दैट इज फॉस्फीन, व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन वी कैन हैव PCl5 विद द डिपार्चर ऑफ HCl. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. अब देखिए फॉस्फीन का ऐसा है, इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. सबसे पहले ये याद रखो, इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. अब फॉस्फीन क्या क्या गुण खिला सकता है? इट कैन रिड्यूस कॉपर सल्फेट एंड डिपॉजिट कॉपर फॉस्फाइड. याद रखना. सो फॉस्फीन कैन रिड्यूस CuSO4, दैट इज कॉपर सल्फेट, टू फॉर्म कॉपर फॉस्फाइड. हमें कॉपर फॉस्फाइड मिलेगा. सो इस चीज को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, CuSO4, दैट इज कॉपर सल्फेट, व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद फॉस्फीन जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और इस कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करेगा, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर फॉस्फाइड अलोंग विद H2SO4. अब इतना ही नहीं, मर्क्यूरिक क्लोराइड को अगर हम सब्जेक्ट करें फॉस्फीन के साथ, वो उसको भी डिपॉजिट करेगा, नहीं रिड्यूस करेगा. सो PH3 कैन रिड्यूस HgCl2 टू फॉर्म मर्क्यूरिक फॉस्फाइड. यहां पे हमें मर्क्यूरिक फॉस्फाइड मिलेगा. सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन. सो मर्क्यूरिक क्लोराइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर, व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद फॉस्फीन देन वी कैन हैव Hg3P2, दैट इज मर्क्यूरिक फॉस्फाइड अलोंग विद HCl. सो इस प्रकार से फॉस्फीन कैन बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो. अब बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की. सो नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज द थर्मल डिकम्पोजिशन. सो लगभग 600 केल्विन से भी बड़े टेम्परेचर पे अगर आप फॉस्फीन को हीट करो तो फॉस्फीन डिकम्पोज होगा और रेड फॉस्फरस देगा अलॉन्ग विथ H2. सो एट, याद रखे, वेन फॉस्फीन PH3 इज हीटेड अबव 600 केल्विन, देन इट डिकम्पोजेस टू गिव रेड फॉस्फरस एंड H2. सो यहां पे देखिए हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये हमारा फॉस्फीन है,
इसको 600 केल्विन से ऊपर जब हम हीट करेंगे तो हमें रेड फॉस्फरस मिलेगा विद द इवोल्यूशन ऑफ H2। सो दिस इज रेड फॉस्फरस। इसके बाद एब्सॉर्प्शन, अगर हम फॉस्फीन को एब्सॉर्ब करना चाहते हैं, मान के चलो फॉस्फीन का कॉन्टेमिनेशन हुआ, वी नीड टू रिमूव दैट फॉस्फीन, देन वी कैन डू बाय यूजिंग व्हाट ब्लीचिंग पाउडर। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फरस लेट्स डिस्कस नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन को एब्सॉर्ब किया जा सकता है, सो नेक्स्ट थिंग इज एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फीन। सो फॉस्फीन कैन बी एब्सॉर्ब्ड ऑन ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना। सो फॉस्फीन कैन बी एब्सॉर्ब्ड ऑन ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके फॉस्फीन को हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ हैलो एसिड्स, रिएक्शन विथ हैलो एसिड्स यानी HX। याद रखिए फॉस्फीन व्हेन ट्रीटेड विथ हैलो एसिड्स देन फॉस्फोनियम सॉल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। सो याद रखिए फॉस्फीन रिएक्ट्स विथ हैलो एसिड्स टू फॉर्म फॉस्फोनियम सॉल्ट्स। हमें फॉस्फोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे, लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन। PH3 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ HX देन वी कैन हैव PH4X, दिस इज द फॉस्फोनियम हैलाइड। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर रिएक्शन ऑफ फॉस्फीन विथ HBr। तो फॉस्फीन को HBr के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो आपको फॉस्फोनियम ब्रोमाइड मिलेगा, दिस इज फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। लेट्स डिस्कस यूजेस ऑफ फॉस्फीन। अब देखिए फॉस्फीन के बहुत सारे पोटेंशियल यूजेस है, कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला यूज बताया जा सकता है कि फॉस्फीन इज यूज टू प्रिपेयर ऑर्गेनो फॉस्फरस कंपाउंड्स। सो इट इज यूज टू प्रिपेयर ऑर्गेनो फॉस्फरस, ऑर्गेनो फॉस्फरस कंपाउंड्स, ये सबसे पहला यूज बताया जा सकता है। उसके बाद फॉस्फीन इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो फॉस्फीन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद स्मोक स्क्रीन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड स्टार्टिंग विद फॉस्फीन। सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स, स्मोक स्क्रीन्स बनाने के लिए फॉस्फीन का इस्तेमाल हो सकता है। और इन सबसे भी बड़ा जो यूज है फॉस्फीन का वो होता है इन होलमेज सिग्नल। अब हमें देखना होगा कि ये होलमेज सिग्नल क्या चीज है। मान के चलो हम लोग समुंदर से सफर कर रहे हैं, समुंदर से सफर करते वक्त हमारा शिप खराब हो गया। अब शिप अगर खराब होता है तो उतने बड़े समुंदर में हमारा लोकेट हो पाना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब रेस्क्यू टीम आएंगी हेलीकॉप्टर से तो उनको काफी दिक्कत होगी हमें ढूंढने के लिए। तो वो चक्कर मारेंगे लेकिन उन्हें हम नहीं दिखेंगे, पूरा नीला नीला दिखेगा पानी।
ऐसे में ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम खुद को लोकेट करें, यानी हम दिखे। उसके लिए हमें सिग्नलिंग की आवश्यकता होती है, और शिप्स को सिग्नलिंग करने के लिए होल्मेस सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। तो होल्मेस सिग्नल में होता क्या है, फॉस्फीन इन कॉम्बिनेशन विद एसिटिलीन फॉर्म्स होल्मेस सिग्नल, याद रखना। सो PH3 दैट इज फॉस्फीन इन कॉम्बिनेशन विद एसिटिलीन फॉर्म होल्मेज सिग्नल, फॉर्म होल्मेज सिग्नल। अब इसमें क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर हमें वेसल में लेना होता है। सो अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड इज टेकन इन अ वेसल में ये मिक्सचर आप लेंगे, एंड इट इज अलाउड टू बी इन कॉन्टेक्ट विथ वॉटर, एंड इट इज अलाउड टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ वॉटर, यानी वॉटर के कॉन्टैक्ट में वो आना चाहिए, ये हमें चाहिए। तो अब होगा क्या, कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म फॉस्फिन, वेर एज कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म एसिटिलिन, याद रखना। सो Ca3P2 दैट इज कैल्शियम फॉस्फाइड एंड CaC2 दैट इज कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म फॉस्फीन दैट इज PH3 एंड एसिटिलीन, ये दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे यहां पे। अब फॉस्फीन क्या करेगा, फायर कैच करेगा, और एसिटिलीन सिग्नल का काम करेगा, याद रखना। सो फॉस्फीन कैचेस फायर इन एयर एंड एसिटिलीन एक्ट्स एज अ सिग्नल फॉर अप्रोचिंग शिप, जिससे हमें मदद मिल सकती है, याद रखना। फायर कैच करने का काम फॉस्फीन करेगा, और एसिटिलीन जो है फ्यूल का काम करेगा, इसलिए वो जलते रहेगा, फ्लेम हमें दिखेगा, यानी आगे से कोई शिप अगर आता है तो वो हमें देख सकता है। सो इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड है दोज कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो CaC2 व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ वॉटर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा अलॉन्ग विथ C2H2 दैट इज एसिटिलीन, और Ca3P2 दैट इज फॉस्फीन रिएक्ट्स विथ वॉटर, वाटर के साथ रिएक्ट करने के वजह से यहाँ पे हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ वॉट PH3 दैट इज फॉस्फीन। तो फॉस्फीन जो प्रोड्यूस होगा वो फायर कैच करेगा, और एसिटिलीन सिग्नल का काम करेगा, जिस वजह से अप्रोचिंग शिप को हम लोग दिखेंगे, और हमारी पोजीशन लोकेट होगी समुद्र के अंदर, और हम बचाए जाएंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ फॉस्फीन।